वेलकम टू आरके सिन्हा यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.4 का। तो 10th क्लास का जितने भी छात्र एवं छात्राएं जुड़े हैं, एक बार जरूर शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। आपके लिए 10th क्लास की नहीं 11th 12th अदर कंपटीशन तक काम देगा। ये सूत्र ऐसा है, इस वीडियो में सिर्फ सूत्र बताएंगे और बने रहिए शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखें। आपको विश्वास के साथ हम कहते हैं, आप एक बार तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो देखें, आपको एक एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। सूत्र इस वीडियो में सिर्फ सूत्र, इसमें पूरा अच्छी तरीका से बताएंगे किस तरह सूत्र हम यूज करेंगे, किस तरह सवाल में यूज करते हैं, वो सब सूत्र इसमें बताएंगे। देखिएगा ये सूत्र, ये सूत्र ही नहीं बल्कि बहुत सूत्र हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। देखिए शुरू से लेकर के लास्ट तक हम बताएंगे और अच्छी तरीका से बताएंगे, पूरा कोशिश करेंगे अच्छी तरीका से बताने का। तो आप देखिए, एक नंबर में क्या है, साइन थीटा बराबर वर्ग बटे कॉस थीटा, ये है ना। तो दूसरा है कॉस थीटा बराबर वन बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर वन बटे कॉट थीटा। ये सब जो है ना 8.3 में भी बता दिए, एक्सरसाइज 8.3 जो पढ़ाए थे इसका कुछ कुछ सूत्र यूज हुआ था। तो फिर उसके बाद शुरू से लेकर के लास्ट तक बताएंगे एक्सरसाइज 8.4 पढ़ने से पहले। तो देखिए साइन थीटा बराबर, अब देखना इस सूत्र क्या क्या निर्माण होता है, तो देखेंगे तो कैसे निर्माण होता है। तो साइन थीटा बराबर वन बटे कोसेक थीटा होता है, क्या वन बटे, अब देखना कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर सी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर ये हो सकता है वन बटे साइन थीटा, वन बटा साइन थीटा। अब देखना जब देखे साइन थीटा वन बटा कोसेक थीटा, तो कोस थीटा इधर, तो वन बटा साइन थीटा इधर आ गया, भाग में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे कौन सूत्र निकलता है, अब देखना जब इसको गुना में लाएंगे, जब यहाँ भाग में है इसको जब गुना में करेंगे तो बराबर वन उधर चला जाएगा, तो ठीक उसी प्रकार करेंगे, क्या उसी प्रकार करेंगे क्या, अब देखना कोसेक थीटा क्या सी कोसेक थीटा गुना साइन थीटा, साइन थीटा बराबर वन। तो कुछ नहीं है, द्वितीया छ यहाँ पर देखना, द्वितीया छ होता है या तीन दुना छ होता है, बात बराबर होता है, क्या बात इक्वल होता है। तो यही करना है, या तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा करना तो कोई दिक्कत नहीं, वन बराबर होगा, ठीक है। अब देखना है, ये देखना है यहाँ पर कोसेक थीटा गुना साइन थीटा बराबर वन कैसे आया, ये देखना है। तो यहाँ पर गाइस देखिए, ध्यान से देखिए, कोसेक थीटा गुना साइन थीटा, अब देखना है कोसेक थीटा कोई भी मान टेबल में डिग्री वाला में रखिए, इसका कोई भी मान रखिए तो ये आएगा वन ही आएगा। जैसे कि कोसेक थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो अब देखो लंब बटा कर्ण, तो इसका कोसेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, क्या कर्ण बटा लंब हो जाएगा, लंब कर्ण बटा लंब। अब देखो कर्ण को एफ से डिनोट किया जाता है, लंब को पी से, परपेंडिकुलर इसको कर्ण को हाइपोटेन्यूज। अब देखो यहाँ पर गुना है तो गुना देंगे, साइन थीटा तो साइन थीटा, अब देखो साइन थीटा और लंब बटा कर्ण होता है, क्या लंब बटा कर्ण होता है, क्या लंब बटा कर्ण होता है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस यही करेंगे, अब देखो लंब लंब कट रहा है, कट रहा है ना, तो कर्ण कर्ण कट रहा है, तो बराबर क्या आ गया, वन से इधर, वन से इधर, वन से वन से इधर, तो क्या होगा वन, मेरा तो वन आ गया। यही कुछ न करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको फॉलो करना है, कोसेक थीटा गुना साइन थीटा, ये सब बता दिए हैं। पहला वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, ये सब पूरा ये फॉर्मूला बता दिए, पूरा धज्जी धज्जी उड़ा के बताए, ठीक है। तो अब देखना ये सूत्र कैसे निर्माण होता है, ठीक है। तो अब देखना cos थीटा बराबर वन बटे sec थीटा है, तो sec थीटा बराबर क्या होगा, sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बटे cos थीटा हो जाएगा, क्या वन बटे cos थीटा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, तो अच्छी तरीका से समझाने का कोशिश करेंगे, पूरा अच्छी तरीका से 100% में वो दवा के साथ कहते हैं, आपको एक एक सूत्र आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा ध्यान से देखना है, क्या अब देखना है sec थीटा बराबर वन बटा cos थीटा हो गया, तो इससे क्या सूत्र दूसरा निकलता है, sec थीटा क्या sec थीटा और गुना cos थीटा, क्या गुना cos थीटा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे जिस तरह किए हैं, ठीक उसी प्रकार करेंगे, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, क्या आधार बटा ये, यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, क्या कर्ण sec थीटा cos थीटा का उल्टा,
तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब देखो कर्ण को हम हाइपोटोनियस से डिनोट करते हैं, एच से करते हैं, आधार को बी से, व्यास से, ठीक है, हिंदी ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण होगा, आधार बटा कर्ण। अब ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब देखो सेक थीटा गुना कॉस थीटा बराबर वन होता है, तो वन देंगे हम, क्या बराबर वन देंगे, सिर्फ याद रखना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो कर्ण कर्ण तो ये कट रहा है, ये आधार आधार कट रहा है, तो बराबर वन, तो ये वन कैसे आया आपको समझ में आ गया ना, पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पर आइए, तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर वन बटे कॉट थीटा, ये सूत्र है, ठीक है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र है, ये तो आप किस तरह हुआ वन, तो ये बताए, ठीक है, आपको समझ में आ गया। और अच्छी तरीका से अपनी भाषा में जितना भी मेथड होता है तो अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं, आपको हमें पूरा विश्वास रहता है कि आपको समझ में आता होगा, ठीक है। तो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर वन बटे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वन बटे टेन थीटा, क्या वन बटे टेन थीटा। अब देखो कॉट थीटा क्या, कॉट थीटा गुना टेन थीटा, गुना टेन थीटा, तो बराबर वन हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्या वन हो जाएगा। इस पेंसिल से करते कोई दिक्कत नहीं, इस पे रंगा देते, क्या वन हो गया, तो कॉट थीटा गुना टेन थीटा बराबर वन हो गया। तो उसके बाद किस तरह ये कैसे वन आया तो वो देखना है। अब तो कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका उल्टा कॉट थीटा आधार बटे लंब हो जाएगा, तो समझ में आपको आ रहा है। तो यहां पर लिखना है टेन थीटा, अब देखो टेन थीटा पर लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, इसका उल्टा, समझ में आया। अब देखो आधार बटे लंब, अब देखना आधार बटा लंब गुना है, तो यहां पर गुना देंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा क्या, लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार हो जाएगा। अब देखो लंब लंब तो ये कट है, आधार को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस, बी से डिनोट किया जाता है, लंब को परपेंडिकुलर, पी से डिनोट किया जाता है, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस से, ये समझ में। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये कोना कोनी कट जाएगा, तो लंब लंब कट रहे हैं, आधार आधार कट रहे हैं, तो ये क्या निकल के आएगा, वन निकल के आएगा, तो मेरा यही तो वन, यही तो किस तरह ये वन आया तो वो बताए, आपको समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट लेकर देखिए गाइस, ये चौथा नंबर, अब देखो चौथा नंबर, ये जो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, इससे क्या क्या सूत्र निकलता है, क्या जैसे चरवा तीसरा में, दूसरा तीसरा में जिस तरह सूत्र निकला, ठीक उसी प्रकार एक सूत्र इसमें। अब देखो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, लेकिन इससे सूत्र कैसे निकालेंगे, दूसरा सूत्र ये देखना है। तो अब देखना टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इससे क्या करना, अब देखना साइन थीटा बराबर हम क्या बताए, साइन थीटा बराबर हम सूत्र क्या बताए, साइन थीटा बराबर इधर देखना, क्या यहाँ पर नहीं बताए, हाँ यहाँ पर है, साइन थीटा बराबर वन बटे कॉसेक थीटा, तो वन बटे कॉसेक थीटा देंगे, क्या वन बटे कॉसेक थीटा, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है तो बताइए, तो वन बटे कॉसेक थीटा, बटे आए तो बटे देंगे, क्या बटे आए तो बटे देंगे। अब देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हम बताए कॉस थीटा बराबर वन बटे सेक थीटा, तो यहाँ पर वन बटे सेक थीटा देंगे, क्या वन बटे सेक थीटा देंगे। अब देखना है भाई, कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर गाइस देखना, ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना, क्या देखना, वन बटे कॉसेक थीटा है ना, तो वन बटे कॉसेक थीटा लिख देना, क्या वन बटे कॉसेक थीटा लिख देना, गुना में कर देना, जब ऊपर करेंगे तो ये क्या आएगा, कॉसेक थीटा, क्या सेक थीटा बटे वन आ जाएगा, क्या वन बटे कॉसेक थीटा गुना सेक, ऊपर करेंगे तो जब यहाँ पर क्या भाग में, जब गुना में करेंगे तो नीचे वाला हर वाला तो ऊपर चला जाएगा, तो अब देखना है वन वन कट रहा है, तो सेक थीटा बटे कॉस थीटा, ये क्या निकल का है, सेक थीटा, क्या निकल का है, सेक थीटा, सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अच्छा से देखना और ठीक प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है बोलिए, और कमेंट में बोलिए, आपको दिख रहा है तो बोलिए, नहीं भी दिख रहा है तो बोलिए, सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा, क्या सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा, टेन थीटा का ये भी सूत्र होता है, ये भी सूत्र होता है,
उसके बाद दूसरा सूत्र ये भी होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और उसका होता है दूसरा होता है सेक थीटा बटा कोसेक थीटा। तो सबसे ज्यादा ये यूज होता है, ठीक है, ये समझिए। उसके बाद यहाँ पर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्या अब यहाँ पर देखना कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉस थीटा का सूत्र क्या है, कॉस थीटा का सूत्र है वन बटे सेक थीटा, तो वन बटे सेक थीटा, क्या वन बटे सेक थीटा। अब देखना बटे है, यहाँ पर बटे है तो बटे दे दिए। उसके बाद साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का वन बटे कोसेक थीटा, क्या वन बटे कोसेक थीटा होता है, वन बटे कोसेक थीटा होता है। अब देखना जब भाग में इसको गुना में मल्टीप्लिकेशन में लाने के बाद क्या होता है, देखिए। तो अब देखना मल्टीप्लिकेशन लाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो वन बटे सेक थीटा, क्या वन बटे सेक थीटा। जब ये नीचे में है हर में है, जब मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा कोसेक थीटा, क्या कोसेक थीटा बटे वन। तो ये आपको अच्छी तरीका से समझ में आता होगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पर वन वन तो कटना है, तो कोसेक थीटा बटे सेक थीटा क्या निकल का है, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा, कोसेक थीटा बटे कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। अब यहाँ पर देखना ध्यान देना है, ये सूत्र कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा हुआ, और दूसरा सूत्र ये भी हुआ कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। किस तरह निर्माण हो रहा है आपको पता चल रहा है, और अच्छी तरीका से आज भी होता चला जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा ना, तो कोई कॉपी कलम का जरूरत नहीं, लेकिन कॉपी कलम जरूरी है, आगे में रखना, जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है वो लिखना जरूरी है। तो आप बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट तक द एंड तक बने रहिए, तो आपको समझ में आएगा। देखिए दूसरा नेक्स्ट ना, ये छठा सूत्र। अब देखो इस सूत्र से कितना सूत्र निकलता है, देखना जितना निकलेगा उतना निकालेंगे, ठीक है। देखना किस तरह सूत्र हम निकालते हैं, कितना इससे सूत्र निकलता है, बस ध्यान से देखते जाना है। अब देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, तो वन होता है कैसे, वन होता है वो बता दिए, स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर से कोई लेना देना है। जैसे कि साइन थीटा लंब बटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण का और स्क्वायर कर देना, तो उसी प्रकार कर देना, ठीक है, इसी तरह बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखना इससे क्या क्या सूत्र निकलता है वो देखना है, ठीक है गाइस। देखिए ध्यान से देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो वादा करते हैं कि आप जरूर देखते होंगे, और हम वादा करते हैं पूरा विश्वास के साथ दिलाते हैं आपके लिए अच्छी अच्छी इसी तरह जानकारी लेते आएंगे। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो इससे ये सूत्र, अब देखना ध्यान से देखना, जब यहाँ पर स्क्वायर हम कर देंगे, क्या जब स्क्वायर कर देंगे, वन का स्क्वायर वन गुना वन करेंगे तो वन का स्क्वायर तो कितना होगा, वन ही होगा। तो इसी प्रकार जब स्क्वायर जब इधर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर जब इधर हम करेंगे तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट इधर आ जाएगा, साइन स्क्वायर, क्या साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, वन हो जाएगा, क्या और कुछ नहीं, ये सूत्र है, ये भी सूत्र है, रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो ये भी सूत्र है। उसके बाद इससे सूत्र क्या निकलता है, ये तो आपको समझ में आ गया, ये कैसे सूत्र निकला। तो स्क्वायर तो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जब स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर रूट हटेगा, रूट आ जाएगा, तो बस कुछ नहीं किए, ये भी सूत्र है, ये भी लागू होता है, ये भी यूज होता है सवाल में, ठीक है। अब देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर देखना, अब देखो जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा अब बराबर बराबर दे देना, अब देखो बराबर है तो वन है तो वन लिखेंगे, क्या वन है तो, अब देखो ये नहीं कि आपको हम बता रहे हैं आप किस तरह निकाल सकते वो आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो बराबर वन है तो अब देखो प्लस है जब साइन स्क्वायर थीटा है तो प्लस है उधर जाएगा बराबर के इधर, तो माइनस में आ जाएगा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा, क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र निकल गया। अब देखना दूसरा सूत्र कैसे निकलता है, तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को पकड़े, अब पकड़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को, तो अब देखना है क्या दूसरा पेंसिल से, क्या अब देखना कॉस स्क्वायर थीटा, अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो वन, अब देखो वन ले लिए, ठीक है स्क्वायर वाला हटा देते हैं, ठीक है स्क्वायर हटा दिए, तो अब देखो वन लिए
जब यहाँ पर ये प्लस लिए कॉस स्क्वायर थीटा तो ये तो ले लिए, अब बराबर वन लिए, बराबर के बाद इक्वल के बाद वन है, तो अब देख रहे हैं ये प्लस उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको अच्छी तरीका से बताने का पूरा कोशिश करते हैं, आपको समझ में आता होगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको अच्छी तरीका से समझ में आता होगा। देखिए यहां पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो इससे क्या क्या सूत्र निकलता है, जब इसको जब स्क्वायर कर देंगे, जब स्क्वायर करने के बाद जब स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ेगा, तो उसी प्रकार ये क्या बन गया, सूत्र बन गया, क्या ये सूत्र निकल के आ गया मेरा, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसके बाद ये वन हो जाएगा, क्या स्क्वायर जब हटेगा तो वन आ गया, स्क्वायर जब इस पर से हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो रूट आएगा तो वन, सिर्फ वन बचेगा, तो ये तो हो गया, एक फॉर्मूला मेरा निकल गया ना। तो उसके बाद दूसरा तीसरा फॉर्मूला, ये पहला और दूसरा फॉर्मूला, अब तीसरा निकालते हैं, क्या अब देखना यहाँ पर, अब यहाँ पर ये तो निकल गया, अब देखना sec स्क्वायर थीटा को पकड़ते हैं, क्या sec स्क्वायर थीटा को पकड़ के थाना ले जाते हैं, क्या जेल ले जाएंगे अभी, अब देखो वन को लेते आएंगे, क्या दूसरे को छोड़ा देंगे, क्या तो वन लेते आए बराबर के बाद, क्या अब देखो sec स्क्वायर थीटा बराबर वन, अब देखो वन तो ले लिए, उसके बाद sec स्क्वायर थीटा को पकड़े तो ये बचा, जब बराबर के बाद इधर करेंगे तो लेफ्ट साइड से राइट साइड करेंगे तो क्या होगा, वन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद ये सूत्र निकल के आ गया, ये तीसरा सूत्र sec स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा को पकड़ते हैं, क्या टेन स्क्वायर थीटा को पकड़ते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को पकड़ते हैं, अब देखना टेन स्क्वायर थीटा, क्या टेन स्क्वायर थीटा को जब पकड़ेंगे तो अब देखना, अब यहां पर देखना टेन स्क्वायर थीटा को पकड़े वन माइनस, क्या वन माइनस क्या आ जाएगा, अब इधर चले आएगा तो बराबर के इस साइड चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस है तो यहां पर माइनस हो गया sec स्क्वायर थीटा। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस sec स्क्वायर थीटा, या इधर से भी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा, वन माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा। आपको समझ में आया और अच्छी तरीका से समझ में आता होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एट में, अब यहाँ पर देखना है यहाँ पर किस तरह का सूत्र, ठीक उसी प्रकार करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो अब देखना है यहाँ पर क्या, जब स्क्वायर हो जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो ऑटोमेटिक रूट इधर आ जाएगा, तो लिख देना है cosec, क्या cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो अब देखना बराबर वन, तो स्क्वायर हट जाएगा तो वन बचेगा, तो ये सूत्र निकल के आ गया ना। उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट फॉर्मूला निकालना है, सूत्र निकालना, cosec स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे, क्या cosec स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे, अब देखना cosec स्क्वायर थीटा को पकड़ते हैं, अब देखना वन, अब माइनस, अब देखो cosec स्क्वायर थीटा को पकड़े, अब माइनस है तो इधर आएंगे तो प्लस आ जाएगा, क्या इधर आएगा तो क्या आएगा, प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो ये क्या निकल गया, cosec स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट सूत्र निकालेंगे, अब देखो cosec स्क्वायर थीटा को तो पकड़े, अब cotec स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे, तो cotec स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे तो अब देखना cot स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर देखना है, ध्यान से देखना, वन लेंगे उसके बाद यहाँ पर प्लस इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या cosec स्क्वायर थीटा, ये समझ में आ गया। अब देखना वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, वन माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर cot स्क्वायर थीटा, इस तरह हम बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। ये सब सूत्र आपको अच्छी तरीका से समझना होगा, याद करना होगा, आपको समझ में नहीं आया ना रट लीजिए, पी लीजिए, घोट लीजिए, लेकिन ये सूत्र याद रखना है जब आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट सूत्र बताते हैं, गाइस 9 नंबर, अब देखना ये भी सूत्र अभी हम तुरंत देखे हैं, ठीक है। ये जो है cos स्क्वायर थीटा, क्या cos स्क्वायर थीटा है, सॉरी
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी तुरंत हम किस तरह इसको निकाले हैं, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इससे कौन सूत्र निकलता है ये देख लेना है, ठीक है। अब देखो अब देखना है कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या कॉस स्क्वायर थीटा है, जब इसको हम उधर करेंगे। अब देखो कॉस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट इधर आएगा, क्या वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा इसका निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी हम निकाल लेते हैं। क्या साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखना है जब स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या होगा, जब स्क्वायर हटाएंगे साइन थीटा, क्या साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट, रूट क्या हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा जब स्क्वायर हटाए तो क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब सूत्र आपका रहा, और त्रिकोणमिति का एनसीईआरटी 10th क्लास का ही नहीं बल्कि 10th क्लास उसके बाद 11th 12th अगर कंपटीशन तक ये काम आने वाले हैं। आपको हर हमेशा के लिए दिमाग में सेरेब्रम में रखना रहेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति का ही सूत्र है। तो इसी तरह लेते आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज 8.4 के लिए। आप बने रहिए वीडियो में और इंतजार कीजिए, आपके लिए जरूर वीडियो लेकर आएंगे और ताबड़तोड़ कंसेप्ट के साथ। जय हिंद जय भारत।